अब न करना और इंतजार, वनवास से लौट रहे हैं श्री राम। रामलला के लिए भव्य मंदिर तैयार है। खास पेशकश इंडिया न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। आज सुप्रीम फैसले से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन इस प्रस्तावित मंदिर का संपूर्ण आकार कैसा होगा, रामलला इस भव्य मंदिर के अंदर कहां विराजमान होंगे, मंदिर से जुड़े इस तरह के हर सवाल का जवाब हमारी खास पेशकश ऐसा होगा राम मंदिर में आपको मिल जाएगा। इसे आप अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का सबसे बनने वाले राम मंदिर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज मान सकते हैं। तो मंदिर बनने से पहले कर लीजिए घर बैठे श्री राम मंदिर के दर्शन। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। का वनवास काटा। कलयुग में करीब 27 साल टाट में निर्वासन भोगा, लेकिन अब 400 साल से भी ज्यादा चले इस विवाद पर पूर्ण विराम लग चुका है। अयोध्या के राजा राम भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतीक्षा बस प्रस्तावित मंदिर के दर्शन की है, लेकिन आज हम आपको संपूर्ण मंदिर निर्माण से पहले बताएंगे कि इस मंदिर का आकार कैसा होगा। हम आपको बताएंगे कि प्रस्तावित राम मंदिर कितने मंजिल का होगा और यहाँ भगवान राम कहाँ विराजेंगे। मंदिर की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, इसकी सबसे प्रमाणिक रिपोर्ट हम ही आपको दिखाएंगे। यूं तो अयोध्या के कारसेवकपुरम में मंदिर निर्माण का काम सालों से चल रहा है, लेकिन आपको भव्य राम मंदिर के दर्शन करवाने में हमारे सूत्रधार वो बनेंगे जिन्हें प्रस्तावित राम मंदिर का शिल्पकार कहा जा सकता है। चंद्रकांत सोमपुरा मंदिर का मॉडल बनाने वाले आर्किटेक्ट सुब्रमण्यम स्वामी, राम मंदिर के प्रबल पैरोकार दिवंगत रजनीकांत सोमपुरा, राम मंदिर कार्यशाला के कारीगर। ये राम मंदिर है, राम मंदिर का डिजाइन में दो मंजिल का है, एक नीचे की मंजिल में राम लल्ला विराजमान होंगे, ऊपर राम दरबार होगा, इसके ऊपर शिखर होगा। ये नागर शैली का पूरा मंदिर है और ये चारों तरफ जो दिख रहा है अलग अलग बिल्डिंग्स है, रिसर्च सेंटर है, ये कथा कुंज है, रहने का निवास स्थान है, ये चारों तरफ गेट है अलग अलग, ये सब बना हुआ है। सर जी खास इसमें ये बताइए कि कितने एरिया में पूरा मंदिर की डिजाइन आपने बनाई है? 6.5 एकड़ में है करीब अभी जो बने हैं। अभी कितनी जमीन मिलेगी क्या है वो सब तो गवर्नमेंट जो तय करेगी उसके हिसाब से। सबसे पहले आपको गुजरात के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के उस मॉडल का नक्शा दिखाते हैं जिसके आधार पर तराशी का काम पूरा चल रहा है। भविष्य में राम का ये भव्य मंदिर 2 मंजिला होगा। भगवान राम की प्रतिमा नीचे वाले तल पर रहेगी, ऊपर वाली मंजिल पर राम दरबार सजेगा, पहली और दूसरी मंजिल पर 212 स्तंभ लगेंगे। प्रथम तल पर लगने वाले स्तंभों की ऊंचाई 16 फीट 6 इंच, दूसरे तल पर लगने वाले स्तंभों की ऊंचाई 14 फीट 6 इंच होगी। हर स्तंभ की शोभा यक्ष यक्षिणी की 16 मूर्तियां और कलाकृतियां बढ़ाएंगी। इसमें कितने पत्थर के इस्तेमाल किया जाएंगे? ये पत्थर के 2.5 लाख घनफुट का पत्थर लगेगा, इसमें 250 पिलर है और 2 बड़े गुम्बद है, 1 शिखर है, ऐसे करके ये पूरा मंदिर जो है इसमें जो बन गया है वो करीब 40% काम हो गया है, 60% का बाकी है। प्रस्तावित 2 मंजिला राम मंदिर लंबाई और ऊंचाई के लिहाज से भी बेहद भव्य होगा। भगवान राम का ये भव्य प्रस्तावित मंदिर लंबाई में 270 मीटर होगा, इसकी चौड़ाई होगी 140 मीटर और ऊंचाई 125 मीटर। खास करके ये मंदिर जो है जैसे एक सोमनाथ मंदिर जैसा ही लग रहा है, इसमें क्या खास सोमनाथ मंदिर जैसा ही है और कुछ नया के डिजाइन इसमें? ये सोमनाथ मंदिर महामेरु प्रसाद है, शिव जी का है, ये विष्णु का है, इसमें अष्टकोण अष्टपहलु है,
बाहर से दिखने में ऐसा लगेगा शिखर, मगर उसमें बहुत काफी फर्क है। मंदिर की प्रथम पीठिका यानी चबूतरे तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकेगा। यहीं पर मंदिर का 10 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग होगा। मंदिर की प्रथम पीठिका 8 फीट ऊंची होगी। इस पीठिका पर मंदिर का 10 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग बनेगा। 4 फीट 9 इंच ऊंची एक आधार पीठिका पर मंदिर का निर्माण होना है। सर ये मंदिर अब तो डिजाइन तो आपने बना लिया, लेकिन वो कब उनका काम शुरू होने वाला है, क्या आपका क्या दिया है आपने आदेश? काम तो शुरू, अब देखिए पहली बात है कि 3 महीने में इन लोगों ने कहा कि कोई कमेटी बनाएंगे, उसमें कौन कौन आता है, क्या है, कौन संभालता है, उसके बाद में जमीन कब मिलती है तभी चालू होगा, क्योंकि अभी तो डिसीजन आया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन होने में मेरे ख्याल से 3 महीना और 2-3 महीने और लग सकता है। मंदिर के जिस कक्ष में राम लला विराजेंगे उस गर्भगृह के ठीक ऊपर 16 फीट 3 इंच का विशेष प्रकोष्ठ होगा। इसी प्रकोष्ठ पर 65 फीट 3 इंच ऊंचा शिखर भी बनेगा। खास करके इस जो डिजाइन में जो बनाई है, इसमें खास और क्या चीज बनाई है जो आपने डिजाइन में रखी गई है? नहीं, ये सारा शिल्प शास्त्र के हिसाब से बना हुआ है, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के हिसाब से। इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है कि इसकी नहीं है कि ये है, ये जो मंदिर में बनता है वही सब इसमें है। पूरा जो मंदिर की डिजाइन जो आपने सर बनाई है, कितने खर्च के होने वाला हो सकता है इसमें? जैसे मैंने कहा अभी नीचे का 2 मंजिल तैयार है, ऊपर बाकी है सब, तो ये करीब 50 करोड़ रुपया। प्रस्तावित राम मंदिर का ये मॉडल सबसे पहले साल 1989 में प्रयागराज कुंभ में रखा गया था। इसे चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था। कुंभ के बाद इसे कुछ दिनों तक मंदिर के शिलान्यास स्थल पर रखा गया। साल 1990 में जब श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला बनी, तब मंदिर के मॉडल को भी वहां स्थापित किया गया। कार्यशाला आने वाले श्रद्धालु मंदिर के मॉडल के सामने सिर झुकाना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सचमुच ये मंदिर बहुत भव्य होगा, लेकिन करोड़ों श्रद्धालु यहाँ रामलला के दर्शन कब कर पाएंगे, वो संभावित तारीख क्या है, ये जानने के लिए आपको सीधे अयोध्या के कार सेवक पुरम लिए चलते हैं, जहाँ अभी आपको दिखाए प्रस्तावित मॉडल पर मंदिर की तराशी का काम चल रहा है। गुजरात के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने प्रस्तावित राम मंदिर का नक्शा तैयार किया। यही मॉडल आज अयोध्या के कार सेवकपुरम में देखा जा सकता है। इसी मॉडल के आधार पर प्रस्तावित मंदिर को लेकर तराशी का काम किया गया। यहाँ राम मंदिर निर्माण के लिए 1990 से लेकर अब तक तराशे गए पत्थर रखे गए हैं। यहाँ प्रस्तावित मंदिर को लेकर 65% काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर को लेकर, दूसरी चीजों को लेकर तैयारियां बहुत सालों से चल रही है। हम उस कार्यशाला में जिसकी तस्वीर आपने कई बार देखी होंगी, कई बार यहाँ के पत्थर, यहाँ की चीजों के बारे में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पत्थर रखे जाने का काम या कार्यशाला में जो काम है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि इन पत्थरों को तराशने का मतलब करीबन 1,75,000 पत्थर है, वह फुट का पत्थर जो है वो यहाँ पर, घन फुट का जो पत्थर है वो लगा लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस पत्थर को तराशने के बाद किस तरीके से चीजें होंगी, ये बातचीत करेंगे शरद शर्मा जी हमारे साथ। शरद जी, कितना पत्थर अब तक तराश लिया गया है? लगभग 65% कार्य जो है मंदिर निर्माण का वो हो चुका है। 1,75,000 घनफुट पत्थर लगना है, जिसमें से 1,00,000 के ऊपर घनफुट पत्थर तैयार हो चुका है। प्रस्तावित मंदिर के लिए वैसे तो देश भर से कई कारीगर आए, लेकिन इनमें रजनीकांत सोमपुरा का नाम हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने तकरीबन 21 साल कार्यशाला में लाल पत्थर की तराशी का काम किया, पर इसी साल उनका निधन हो गया। लेकिन यहाँ तराशे गए पत्थर से प्रस्तावित मंदिर का सपना हरी झंडी मिलते ही पूरा होगा। मंदिर की तराशी में भूतल का काम पूरा हो चुका है, पहली मंजिल का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। सिंह द्वार, रंग मंडप,
कोली गर्भगृह का काम पूरा हो चुका है, भूतल का कार्य हो चुका है। तो मैं समझता हूँ सितंबर 1990 में जब कार्यशाला प्रारंभ हुई तब 2 कारीगर थे, उसके बाद लगभग 80 कारीगर तक यहाँ पर रहे। ये सामने लंबाई चौड़ाई भी है उस मंदिर की, ताकि आने वाला जो समाज है, जो दर्शनार्थी है, वो देखें कि किस प्रकार से इस मंदिर का भाव होगा और किस प्रकार से लोग जो है अपने मंदिर को देखकर जो है भव्यता को एहसास करेंगे। कार सेवक पुरम में चले इस काम को लेकर बीजेपी नेता और राम मंदिर के प्रबल पैरोकार सुब्रमण्यम स्वामी भी आश्वस्त दिखते हैं। कब शुरू होगा निर्माण? अरे तुरंत शुरू हो सकता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने बहुत पहले ही ये सोचकर कि ये तय पहले ही हो जाएगा, उन्होंने प्री फैब्रिकेटेड बनाई है सब। अच्छा। जैसे पिलर्स हैं, डोर्स हैं, ये तो टेंपल का मॉडल इज आल्सो रेडी। हाँ, मॉडल भी रेडी है और सिर्फ फिट करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मंदिर बनाने के लिए 3 महीने में समिति बनाने का वक्त दिया है, लेकिन स्वामी की राय में मंदिर का काम शुरू होते ही 2 साल में पूरा हो जाएगा। और ये कब तक तैयार होगा? दूसरा सवाल जो शुरू तो जल्दी हो जाएगा और तैयार 2 साल लगेंगे, मतलब 2022 तक, यूपी चुनाव तक, जिसमें पॉलिटिकल कॉनोटेशंस भी हो रही हैं। अब देखना होगा कि हकीकत में राम मंदिर के दर्शन श्रद्धालु कब कर पाएंगे। फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावित मॉडल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो प्रस्तावित मंदिर के मॉडल के लिए तराशी के पत्थर तैयार है। इसी प्रस्तावित मंदिर के अंदर राम कुंज भी बनाया जाएगा। ये कैसा होगा, इसे लेकर कितना काम किया गया है, कितना बाकी है, वो भी देखिए। राम जन्मभूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम का ये वनवास अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इस बीच इंडिया न्यूज पहली बार टीवी पर आपको अयोध्या में बनने वाले मंदिर के लिए तैयार होने वाली रामलला की मूर्ति के दर्शन करवा रहा है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए प्रस्तावित राम मंदिर के अंदर राम कथा कुंज में दिखाई देगा। यहाँ रामायण काल का सजीव चित्रण होगा, यानी मूर्तियों के सहारे रामलला के जन्म से लेकर राज्याभिषेक को दर्शाया जाएगा। लेकिन हम आपको पहले ही राम कथा कुंज का दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ प्रवेश लेते ही आपको सबसे पहले जो मूर्तियाँ दिखेंगी वो प्रोत्तिष्ठि यज्ञ चित्रण करेगी, जिसमें राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में राम कथा कुंज में लगने वाली मूर्तियों के काम में तेजी आई है। इन मूर्तियों का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अभी मूर्तियां लगभग बनकर तैयार हैं। ये सारी मूर्तियां बेहद शानदार हैं, खूबसूरत हैं और अपने आप में बिल्कुल जुदा हैं, क्योंकि हर मूर्ति कुछ न कुछ जरूर कहती है भगवान राम के जीवन से लेकर, उनके जन्म से लेकर, उनके अयोध्या में राज अभिषेक तक के सारे कालखंडों को इन मूर्तियों में उकेरा गया है। यानी हर कालखंड अपने आप में बेहद अलग है। ये पहला कालखंड जो दर्शाया गया है ये पुत्रेष्टि यज्ञ है, जो राजा दशरथ ने किया था और उन्हें पुत्र की 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वशिष्ठ मुनि जो है थोड़ा उत्तर दिशा में बैठे थे और नदी के किनारे शांता माता जी और श्रृंगी ऋषि बैठे थे। यानी आप श्रृंगी ऋषि जी हैं और ये वशिष्ठ मुनि। इन लोगों के द्वारा यज्ञ हुआ, उसके बाद अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर खीर दी, जिसके बाद और फिर यहाँ आपने दिखाया है दूसरा कालखंड, जहाँ पुत्र यज्ञ की प्राप्ति के बाद फिर यहाँ ये 4 पुत्रों का जन्म हुआ है और महाराजा दशरथ के गोद में या कहें उनके हाथों में जो है भगवान राम है। ये बेहतर है, बेहतर क्या, या यूं कहूं कि बेहद खूबसूरत है। और ये
ये जो मूर्तियां हैं ये राम कथा कुंज में होंगी। राम कथा कुंज राम जन्मभूमि परिसर में बनेगा। विश्व हिंदू परिषद इन मूर्तियों को तैयार करा रहा है। यानी श्री राम के जन्म का इतना सजीव चित्रण की मन मोहित हो जाए। यज्ञ से लेकर राजा दशरथ की गोद में श्री राम, ये तो रामायण का पहला और दूसरा कालखंड है। प्रभु राम का संपूर्ण जीवन चित्रण यहाँ देखने का, यहाँ आने वाले भक्तों को मूर्तियों के जरिए ये भी मालूम चलेगा कि श्री राम विश्राम करते थे तो उन्हें जगाया कैसे जाता था। विश्व हिंदू परिषद के अंतरा राम मंदिर साक्षात। एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खास पेशकश जारी रहेगी।